स्क्वायर माइनस वन प्लस टी बाय टू इंटू टी इक्वल वन बाय फोर, ये टू से फोर कैंसिल, यहाँ टू आ जाएगा, टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन इक्वल वन, फोर टी क्यूब प्लस टू टी माइनस टू टी माइनस वन इक्वल जीरो, टू टी स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में से टू टी स्क्वायर कॉमन, क्या मिलेगा हमें, टू टी प्लस वन माइनस टू टी प्लस वन, टू टी प्लस वन टू टी स्क्वायर माइनस वन जीरो। फर्स्ट फैक्टर टी इक्वल माइनस वन बाय टू, कॉस टू थीटा कॉस टू पाई बाय थ्री, टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाय थ्री, थीटा इक्वल टू एन पाई बाय टू प्लस माइनस टू पाई बाय सिक्स, टू कैंसिल हो सकता है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री, रेंज की वन है बिटवीन जीरो एंड पाई, जीरो से पाई के बीच में, एन जीरो लेता है तो पाई बाय थ्री, वन लेने पर पाई माइनस पाई बाय थ्री यानी टू पाई बाय थ्री। तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिली, एक पाई बाय थ्री दूसरी टू पाई बाय थ्री, बाकी वैल्यूज जो इससे ला सकते हैं इसके सेकंड फैक्टर से। क्या है सेकंड फैक्टर अपने पास, t इक्वल वन बाय टू, टी क्या लिया था हमने कॉस टू थीटा, वन बाय टू यानी कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा से, देन थीटा इक्वल एन पाई बाय टू प्लस माइनस पाई बाय एट, एन की वैल्यूज पुट करने पर मिल सकती है हमें, एन जीरो रखते हैं तो पाई बाय एट, वन रखने पर पाई बाय टू प्लस पाई बाय एट, पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट, एन टू रखते हैं तो पाई माइनस पाई बाय एट, पाई प्लस पाई बाय एट पाई से ज्यादा हो जाएगा, थ्री रखने पर वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो ये जो दिख रहा है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा इक्वल टेन सेवन थीटा का ट्रांसफर करके कॉमन ले रहे हैं, टेन थीटा टेन फोर थीटा माइनस वन, इसको यहां ले लेते हैं तो टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा वन माइनस टेन थीटा टेन फोर थीटा माइनस टेन सेवन थीटा, माइनस कॉमन, ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी टेन ओ माइनस सेवन थीटा, फाइव थीटा इक्वल एन पाई माइनस सेवन थीटा, सो ट्वेल्व थीटा इक्वल एन पाई, थीटा इक्वल एन पाई बाय ट्वेल्व, सी आंसर। द इक्वेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल सी, वेयर मॉड सी ग्रेटर देन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सी यदि इससे ज्यादा है तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सो आंसर नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू, दोनों की मैक्सिमम वन होती है तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉस एक्स वन हो एंड साइन एक्स वन हो, ये साइमल्टेनियसली वन कभी नहीं हो सकते, यदि एक वन होता है तो दूसरा जीरो हो जाता है, इस कारण से इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 24, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 4 इंटू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 0। ये साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स बाय 4, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी। यहां से माइनस 2 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन 5x बाय 4 इक्वल 2। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, तो इसका आंसर भी आ जाएगा नो सोल्यूशन, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। उन्नास हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25, साइन 3x प्लस कॉस 2x इक्वल माइनस 2। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस 1, कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस 1, जब दोनों अपने मिनिमम पर रहेंगे तभी माइनस 2 आ सकता है, और किसी भी तरीके से इसका सम माइनस 2 नहीं हो सकता। साइन 3x माइनस 1, माइनस 1 कहां मिलता है हमें, 4n माइनस 1 पाई बाय 2 पर, और ये पाई पाई 3 पाई पर माइनस 1 होता है, मतलब 2n प्लस 1 पाई पर। यहां से x की वैल्यू 4n माइनस 1 पाई बाय 6, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब हमें ऐसी वैल्यू देखना है जो दोनों में कॉमन हो, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए इक्वेशन, तो इन दोनों के कॉमन वैल्यू आंसर होगा। कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर n की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, जैसा n 0 रखते हैं तो कितना मिलेगा माइनस 5/6, 1 रखने पर 4 - 1 3 π/6 यानी π/2, 2 रखते हैं तो 7 π/6, 3 से 11 π/6, 4 15 π/6 एंड सो ऑन। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हुआ, ये देखिए ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 15 π/6 का मतलब कितना होता है, 3 से कैंसिल 5 π/2, ये 5 π/2, ये 4 के डिफरेंस में चल रहा है π/2, फिर 5 π/2 है, इसके बाद आएगा 9 π/2, सो 4n प्लस 1 या माइनस 1 π/2, इस टाइप का कोई आंसर है, π/2 होना चाहिए। यहां पर क्या है, सभी पहला है 4p - 3 π/3, फिर 2π/3 है, फिर π/7 है, 2 तो किसी में नहीं है जो कॉमन आना चाहिए, सो नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा 26 इक्वल √3/2 एंड टेन थीटा इक्वल 1/√3। दोनों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इनकी कॉमन वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसिपल कॉमन वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की 1/√3 का होता है π/6, ये भी π/6, सो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, 2n π प्लस π/6 फर्स्ट आंसर। 27, cos थीटा 1/√2, tan थीटा -1,
कॉस पॉजिटिव टेन निगेटिव ऐसा कहां पर होता है, कॉस पॉजिटिव टेन निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π - π/4 यानी 7π/4। सो जनरल सॉल्यूशन 2nπ + 7π/4 2nπ + 7π/4 बी। क्वेश्चन नंबर 28 साइन पावर 6 + cos पावर 6 फॉर्मूला होता है 1 - 3 sin²x cos²x इक्वल लैम्बडा यानी 1 - λ = 3/4 × 4 sin²x cos²x 4 1 - λ/3 equal sin²2x बट sin²x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 0 से 1। सो 4 1 - λ/3 0 से 1 3/4 से मल्टीप्लाई ये 3/4 वन का ट्रांसफर 3/4 - 1 यानी -1/4 माइनस से मल्टीप्लाई 1/4 से 1 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29 मॉड साइन 2x मॉड साइन 2x ग्रेटर देन 2 sin²x मॉड साइन एक्स है मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 2 sin²x x 0 से 2 पाई तक है। यदि x को हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ले तो साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा यानी मॉड साइन एक्स इक्वल साइन एक्स ये साइन एक्स को टी ले लेते हैं तो t - 2t² पॉजिटिव t कॉमन 1 - 2t पॉजिटिव या t 2t - 1 लिखते हैं तो निगेटिव। वेविक और मेथड का यूज कर सकते हो ये निगेटिव यहां पर है। सो t की वैल्यू 0 से 1/2 t मीन्स साइन एक्स सो साइन एक्स 0 से 1/2 के बीच में। देखिए साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2π तक कैसे बनता है ये सबको पता है 0π 2π यहां कितना होता है ये 1 और इधर -1 वाई पर 1/2 वाली लाइन ये हो गई और ये वाला ग्राफ किसका है वाई पर साइन एक्स का। हमें क्या चाहिए साइन एक्स 0 से 1/2 के बीच में यानी ये वाला पोर्शन 0 से 1/2 के बीच में 1/2 से कम होना ये पोर्शन देखो ये पॉजिटिव भी है और 1/2 से कम भी है ऐसे यहां पर भी ये पॉजिटिव भी है एक्स एक्सिस के ऊपर साइन एक्स पॉजिटिव तो ये पोर्शन आ जाएगा ये वाली वैल्यू कौन सी है 5/6 एंड ये π - π/6 π - π/6 5π/6 तो x की पहली वैल्यू आ गई 0 से π/6 और दूसरी वैल्यू 5π/6 से π। इसको और डिटेल पढ़ेंगे हम अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे इनइक्वालिटी वाला उसमें साइन एक्स की इनइक्वालिटी। सो पाई बाय 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से π एक ये पोर्शन अपने को मिल रहा है आंसर में जब हम एक्स 0 से π लेते हैं तब
ऐसे यदि हम x को जीरो से सॉरी पाई से टू पाई लेके हैं तो यहाँ पर मॉड साइन x इक्वल माइनस साइन x आएगा, सो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वन प्लस टू टी आएगा इसमें, तो t की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएंगी। तो इसके नीचे वाली लाइन बनाकर उसको सिमिलर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। टू पावर साइन स्क्वायर एक्स 30 क्वेश्चन प्लस 5 इंटू टू पावर कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। टू पावर साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लेते हैं, ये कितना जाएगा 2/10 मीन्स टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 इक्वल 0 फैक्टर 5 टू टी। हमने किसको लिया है 2 पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 5। फर्स्ट फैक्टर से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 पूछा है हमसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन माइनस 5 टू प्लस 5 इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स 0 यानी कॉस एक्स 0 तो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 एन 0 लेते हैं तो 5/2 माइनस 1 लेने पर माइनस 5/2 दो सॉल्यूशन मिल रहा है इसमें हमें। और कौन सा आता है 3π/2 पाई से ज्यादा हो जाएगा माइनस 3π/2 माइनस पाई से कम आ जाएगा। यहां से देखें तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ऑब्वियस 1 से ज्यादा दिख रही है तो यहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। बाकी जो है एक डीपीपी हमें सॉल्व करना है तो उसका सॉल्यूशन भी हम देंगे जल्दी आपको।